हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? ज्वेलरी जैसी मेरे हाथ में आती है ना, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। मैं कहती हूँ भाई अभी के अभी वीडियो शूट करूँगी मैं। तो मैंने अभी रिसीव करी है कुछ ज्वेलरी जो कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये होने वाली है नवीन कलेक्शन की। तो नवीन कलेक्शन की ज्वेलरी की सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, इनकी पैकेजिंग भाई बड़े मस्त तरीके से पैक होकर आती है। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई ज्वेलरी टूटी फूटी आई हो, क्योंकि पैकेजिंग ही इतनी अच्छी आती है। जैसे कि मैं आपको एक बॉक्स दिखाती हूँ। सबसे पहले ज्वेलरी मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं करी है, बट कॉन्फिडेंस है मेरे में कि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये पैकेजिंग आप इसकी देखो, ये आप देखोगे नेकलेस, नेकलेस के साइड्स में पूरा इस तरीके से रखा गया है ताकि नेकलेस बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले नहीं। सारी की सारी ज्वेलरी देखो भाई, ज्वेलरी जैसी आती है मैंने बताया ना, कुछ कंट्रोल नहीं होता, जबान भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। ये बहुत अच्छे से पैक होकर आती है। ये आप देखेंगे कितना बबल रैप यूज़ हो रहा है ताकि बिल्कुल ज्वेलरी जो है ना ये हिले डुले नहीं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मस्त और बहुत ही सारी ज्वेलरी शेयर करने वाली हूँ। तो चलो फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले शेयर करती हूँ क्या 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 बहुत कुछ दिख रहा है। सबसे पहले शेयर करती हूँ इस पैकेट में क्या है। सारी ज्वेलरी आपको इस तरीके से या तो पाउच में आती है या फिर बॉक्स में आती है, तो बाद में भी स्टोर करना बहुत इजी हो जाता है और ट्रैवलिंग पे ले जाना भी बहुत इजी हो जाता है। मैं तो इनके बहुत सारे पाउच में बहुत कुछ रख के ले जाती हूँ। सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ ये वाला नेकलेस, बहुत ही लाइट वेट होने वाला है ये। ये आप देखिए, इसमें वाइट कलर के स्टोन है और पिंक कलर के स्टोन है, बो शेप में इसमें स्टोन है और ये बहुत अच्छा लगने वाला है। काफ़ी पतला होने वाला है तो इसे एक टीनेजर लड़की भी आराम से पहन सकती है। और मैं तो आपको सही बताऊँ ना, इसे आप एज अ क्राउन भी ट्राई कर लेना इसमें। बट हाँ, आपको चेन आपको पिनअप करनी पड़ेगी। जैसे मैं दिशा के कई बार हेयर स्टाइल बनाती हूँ ना अपनी बेटी के, तो उसे इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो ये उसके एज अ माथा पट्टी भी बनाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। सभी नेकलेसेस मैं आपको ना बैक कैमरा से ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि इनकी शाइन जो मैं देख पा रही हूँ ना, वो शायद आपको ऐसे करके दिखाने में नहीं दिखेगी। भाई क्या गजब शाइन है इसकी। इसके वाइट स्टोन की बात करूँ तो ये गजब शाइन कर रहे हैं। इसके साथ आपको मिलते हैं बहुत ही छोटे छोटे से इयररिंग। तो अगर आपकी टीनेजर लड़की है या छोटी भी है ना, तो भी आप पहनाना चाहते हो उसको, तो पहना सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसके इयररिंग्स। ये आप देखेंगे, आपको इसमें इस तरीके के छोटू छोटू से इयररिंग्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको इसमें एक डोरी भी मिलती है, तो अगर आपको चेन कंफर्टेबल नहीं लगती है तो आप डोरी यूज़ कर सकते हो। मेरे को चेन थोड़ा सा लूज़ आते हैं चेन वाले नेकलेस, तो मैं हमेशा डोरी मंगवाती हूँ। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुंदन का एक नेकलेस। ये वाला जो नेकलेस है ना, मेरे पास एक है, बिल्कुल प्लेन है वो, और बिलीव नहीं करोगे आप, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। मतलब मुझे भी जब कुछ समझ नहीं आता ना कि कौन सा नेकलेस पहनूं, मैं वो वाला नेकलेस पहन लेती हूँ, क्योंकि ये सब पर चलते हैं। इस बारी मैंने जो मंगवाया है इसमें ना सिर्फ कुंदन है बल्कि नीचे की तरफ पूरा मोतियों की लड़ी भी होने वाली है, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे आप बिना टेंशन के किसी भी सूट, किसी भी साड़ी, किसी भी गाउन के साथ पहन सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नेकलेस है। और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ज्वेलरी है, अदरवाइज़ क्या होगा ना कि नहीं दिखा पाऊँगी या फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और हाँ, इन पे नवरात्रि के टाइम पे स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है। मैं स्पेशल डिस्काउंट जो भी है वो स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, तो नवरात्रि के टाइम में आप जल्दी से जाके परचेज कर लेना एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर चाहते हो। तो ये आप देखेंगे इसके इयररिंग्स, कुंदन के इयररिंग्स ये होने वाले हैं। मैं आपको साइड में पहन के भी दिखा दूंगी सारी ज्वेलरी और आपको क्लोजअप शॉट्स भी दिखा दूंगी इनके। ये वाला इयररिंग मेरे पास एक था पहले से जो मैं पहनती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि नीमा यार ये मेरे लिए मंगवा दियो, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मैंने कहा ठीक है, जब मैं अपने लिए मंगवाऊंगी तो तेरे लिए भी एक ऑर्डर कर दूंगी। तो ये मैंने अपनी एक फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए मंगवाया है। ये इयररिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लगते हैं। ये आप देखेंगे इसमें मोर बना हुआ है और ये ना मेटालिक लुक के हैं। ये आप देखेंगे तो ये मेटालिक लुक के हैं। इसमें आपको ना मल्टी कलर के स्टोन का काम मिलता है और यहाँ पे एक छोटे छोटे से बारीक बारीक से स्टोन का काम मिलता है। इसका काम इतना नीट एंड क्लीन है कि जो मोर की आँखें हैं ना उसमें भी स्टोन लगे हुए हैं। तो ये इयररिंग पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत ही लाइट वेट भी हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे पास पहले से एक है, तो मेरी दिशा को बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है एक और मंगवा लेती हूँ। तो माँ बेटी दोनों मैचिंग मैचिंग पहन लेंगे कभी। ये है एक ब्रेसलेट,
मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके के पाउच में आया है और ब्रेसलेट है तो इसके साथ एक कुशन भी आया है। ब्यूटिफुल मुझे ये लगता है। ये आप देखेंगे ये मैग्नेट वाला ब्रेसलेट है। नॉर्मली यही प्रॉब्लम होती है कि जब अकेली होती है ना लड़की तो वो अपने हाथ पे ब्रेसलेट पहन ही नहीं पाती, बट इसके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप इस तरीके से खुद पहन सकते हो क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा हुआ ना, तो बहुत ही ईजिली आप पहन सकते हो। इसमें लगे हुए हैं स्टोन, तो ये आप किसी भी कलर की ड्रेस के साथ, सूट के साथ आराम से पहन सकते हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मेरी बेटी को ये बहुत अच्छा लगा था तो मैंने कहा चलो ठीक है उसके लिए भी मंगवाया जाए। मुझे नवीन कलेक्शन के इयररिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब मैं जब नेकलेस वेकलेस पहनने के मूड में नहीं होती ना तो मैं इनके बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लेती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने इनके कुछ इयररिंग्स और मंगवाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखो, सबसे सेफ साइड रहने के लिए मैं वाइट स्टोन सबसे ज़्यादा ऑर्डर करती हूँ ताकि किसी भी ड्रेस के साथ मैं पहन सकूँ। इसकी जो शाइन है ना, ये इतनी ज़्यादा प्यारी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत बारीक स्टोन का इस पर काम हो रखा है। मतलब मेरे रूम में तो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है तब ये इतना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। सोचो जब आप शादी में इन्हें पहन के जाओगे या सनलाइट में जब आप इन्हें पहनोगे ना, इतने अच्छे रिफ्लेक्ट करते हैं ना ये। और ये बहुत लाइट वेट है जी हाँ, पूरे पूरे दिन आप इन्हें आराम से पहन सकते हो। ऑफिस में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, ऑफिस में कोई पार्टी है तो भी आप इसे आराम से पहन सकते हो। एक और मैंने मंगवाया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सभी ज्वेलरी जो है ना ये काफ़ी अच्छी हैं, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ट्राई ज़रूर करना। ये वाले इयररिंग्स आप देखो, इनके इस तरीके के 2 से 3 इयररिंग्स मेरे पास पहले से हैं। कुछ की फ़ोटोज़ मैं लगा दूँगी साइड में अगर मुझे मिल जाएंगी तो, अदरवाइज़ क्या होता रहा मैं फ़ोन से फ़ोटोज़ बहुत जल्दी डिलीट कर देती हूँ। ये आप देखो, बहुत प्यारे इयररिंग्स हैं ये। साइज़ भी इनका काफ़ी अच्छा है। ये तो ऐसे है कि मैं इस सूट के साथ भी पहनूंगी ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। सेफ साइड रहने के लिए वाइट स्टोन आपके पास होने ही चाहिए। वाइट स्टोन की जो ज्वेलरी होती है ना, ये तो आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए। और देखो भाई, नवरात्रि आ रही है, डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करना। इनको सेल मिल जाएगी आपको, उस टाइम पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और इयररिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी आज मैंने मैरून कलर का पहना है। सब ज्वेलरी ऐसी आ रही है जो मैं इस सूट के साथ भी पहन सकती हूँ। ये आप देखो, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। और झुमकी तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। ये आप देखिए, अभी भी मैंने जो झुमकी पहनी है ये भी शायद इन्हीं की ही है, नवीन कलेक्शन से ही मैंने मंगवाई थी। तो ये इयररिंग आप डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ मंगलसूत्र। ये आप देखेंगे, ये तो होने वाला है बेसिकली ब्रेसलेट स्टाइल का मंगलसूत्र जो होते हैं ना, हैंड ब्रेसलेट मंगलसूत्र जो होते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आजकल इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जी हाँ। मैं जब भी सोचती हूँ ना कि कुछ नया मंगवाती हूँ तो ये सबसे पहले मेरे सामने आते हैं, तो मुझे लगता है यार आजकल ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ये आप देखेंगे, इसमें आपको इस तरीके से 2 लड़ी वाली काली मोती की माला मिलती है और बीच में आपको इस तरीके से गोल्डन और सिल्वर कलर का काम मिलता है। ब्यूटीफुल लगने वाला है ये पहनने के बाद। ये आप देखेंगे, कई लड़कियां होती हैं जो ऑफिस में नहीं पहनती है मंगलसूत्र, तो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है एक और मंगलसूत्र, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए, इसका साइज काफ़ी अच्छा है और नीचे पेंडेंट का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये आप देखो, ये आप देख सकते हो, इसका पेंडेंट का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब बिल्कुल सिंपल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी लेंथ इतनी ही आएगी, मतलब काफ़ी अच्छी लेंथ है और काफ़ी अच्छी लुक का ये होने वाला है। ये आप देखिए, बिल्कुल जैसे गोल्ड के डिज़ाइन के होते हैं ना। अब गोल्ड यार 70,000 पार हो गया, अब इतने मंगलसूत्र गोल्ड में तो मैं बनवा नहीं सकती, तो मैंने सोचा चलो वही अलग अलग ओकेजन में पहनने के लिए अलग अलग मंगलसूत्र मंगवाती हूँ। ये वाला मंगलसूत्र चेन ज़्यादा है और मंगलसूत्र कम है। ये आप देखेंगे ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा काले मोती वाला मंगलसूत्र नहीं पसंद आता है तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। इसमें काले मोती कम है और चेन का डिज़ाइन ज़्यादा है। इसमें आप देखेंगे इस तरीके से ना बीच बीच में आपको काम मिलता है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ये ऐसा लगेगा आपको पहनने के बाद जैसे आपने गोल्ड की चेन पहन रखी है। ये आप देखिए,
बहुत अच्छा मुझे लगा है ये, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इनके कलर वगैरह कुछ ख़राब नहीं होते हैं, आप आराम से इन्हें पहन सकते हो। एक नेकलेस मैंने मंगवाया है यार, ये मैंने एक नया गाउन ख़रीदा है अपने लिए, तो मैंने उसके साथ पहनने के लिए ये नेकलेस मंगवाया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देखो फ्लेक्सिबिलिटी आप इसकी देख रहे हो, ये कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने वाला है, बिल्कुल आपके गले में फिट हो जाएगा और महारानी वाली लुक देने वाला है ये। इसमें आपको वैसे तो चेन लगी हुई मिलती है, बट इसके साथ आपको डोरी भी मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये आप देखो, क्योंकि मैं जब भी चेन लगाए हुए नेकलेस पहनती हूँ ना, वो लूज़ हो जाते हैं मेरे गले में, तो मैं तो हमेशा डोरी वाले ही पहनती हूँ। इसके साथ आपको मिलते हैं बेहतरीन से इयररिंग, ये आप देखिए बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स आपको इसके साथ मिलते हैं। ये आप देखो काफ़ी लाइट वेट होती है ये, जो स्टोन वाली ज्वेलरी होती है ना, जो भारी भरकम नहीं फील कराती आपको। ओवरनाइट अगर आपको शादी में पहननी है, आप आराम से इन्हें पहन सकते हो। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक चेन, ये आप देखिए बहुत प्यारी। और देखोगे आप, सारी ज्वेलरी मैं आपको दिखा रही हूँ पाउच से निकाल के, ये सब पाउच में फिक्स होकर आती हैं, ताकि इनकी जो है ना शाइन वगैरह भी बिल्कुल ख़राब ना हो और बिल्कुल टूट फूट ना हो, बिल्कुल आराम से ये आप तक पहुँचे। ये है सिल्वर चेन होने वाली है, ये सिल्वर कलर की, और इसमें पूरा स्टोन का काम है, पूरा स्टोन का, बहुत ही प्यारा। ओ भाई इसका ये जो पेंडेंट है ना, ये इतना मस्त लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बेहतरीन। एक नेकलेस मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ, ये भी वाइट स्टोन का होने वाला है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको। अब आप बोलोगे यार सबके लिए ये बोल रही है कि प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है प्यारे यार ये ज्वेलरी जो है ना, ये इतनी ब्यूटीफुल है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मस्त। ये आप देखो, मतलब मज़ा आ जाता है जब इस तरीके की ज्वेलरी हाथ में आती है ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये आप देखिए पूरे में आपको स्टोन का काम मिलता है, नीचे की तरफ जो स्टोन है ना, इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। मैं आपको दिखा रही हूँ साइड में पहन के, आप खुद देखोगे और मुझे बताना कि कैसा लग रहा है। इसके साथ भी आपको मिलती है डोरी और मिलते हैं बहुत ही प्यारे से इयररिंग, मतलब इसके इयररिंग्स तो ऐसे हैं जो आप बिना नेकलेस के भी पहनोगे ना तो भी बहुत अच्छे लगेंगे। कई ड्रेसेस में ओवर लगता है ना जब कई टाइम पे कि भाई नेकलेस भी नहीं पहनना है, तब आप सिर्फ इयरिंग्स पहन लेना। इसके इयरिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और फ्लेक्सिबल आप देखोगे ना, ये काफ़ी अच्छे से फ्लेक्सिबल होने वाला है ये नेकलेस, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखो, तो ये बिल्कुल आपके गले में ना फिक्स हो जाएगा, कहीं से भी उचका उचका वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो ये तो हो गया बड़ा डब्बा खाली। अब दिखाती हूँ आपको जो बिल्कुल हैवी वाले नेकलेसेस दो मैंने मंगवाए हैं। ये आप देखो, सबसे पहले पैकेजिंग इनकी A1 होकर आती है, पूरे नेकलेस में आपको साइड से भी पूरा फिक्स करके दिया जाता है, ताकि ये नेकलेस बिल्कुल भी ना हिले। ये मैं आपको दिखाती हूँ नेकलेस, मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आप मिंट ग्रीन कलर का कोई नेकलेस ढूंढ रहे हो ना, तो यार ये आप ट्राई करना, ये पहनने के बाद, अरे डोरी लगी हुई, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना अच्छे से गले में फिक्स हो जाएगा ना, ये आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल भी है, तो ये बिल्कुल भी ना आपके गले में ऐसा खड़ा खड़ा नहीं रहेगा, ये फिक्स हो जाएगा। ये आप देखो इस तरीके से, तो ये बिल्कुल भी उचका उचका नहीं लगेगा। इसमें आपको पूरे में काम मिलता है स्टोन का, और डीजे की तरफ मोतियों का काम मिलता है। पीछे से कोई तार आपको चुभने वाली नहीं है, मैं आपको अपना हाथ रगड़ के दिखा रही हूँ, इसमें बिल्कुल आपको कोई तार चुभेगी नहीं। इसकी लुक भी बहुत अच्छी है, और ये बहुत ही कंफर्टेबल होने वाला है। इसके साथ आपको इस तरीके से अलग से मिलते हैं मांग टीका और इयररिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखो इयररिंग्स इसके इतने अच्छे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब सिर्फ इयररिंग्स पहनना चाहते हो तो भी आप आराम से पहन सकते हो इयररिंग्स और मांग टीका। यस, पूरा नेकलेस पहनने का मूड नहीं है जब, तो आप सिर्फ इयररिंग्स और मांग टीका पहन सकते हो। और ये गजब लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करना। सबके लिंक मैंने आपको बताया ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको दे रही हूँ, तो आप ट्राई कर सकते हो।
नेक्स्ट है ये ब्यूटीफुल सा स्टोन वर्क का ब्रेसलेट, आप देखेंगे इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बैक साइड पर भी पूरा जाली का काम हो रखा है। इसमें आपको साइड में इस तरीके के लॉक मिलते हैं, तो आपने इसे पहन लेना है, ये किसी भी हाथ के साइज़ पे फिट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। डेफिनेटली आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, एक साइड आपको पूरा जाली वाला काम मिलता है और इसके स्टोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट नेकलेस की अगर मैं बात करूँ तो यार इसके स्टोन का काम आप देखो बहुत ही प्यारा है, नीचे आपको पूरे में इस तरीके की लटकन लगी हुई मिलती है जो कि बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल नेकलेस है ये। अगर आपकी सगाई है या फिर पहला पहला करवा चौथ आने वाला है, शादी होने वाली है, तो आप ये ट्राई ज़रूर करना। ये फ्लेक्सिबल है, काफ़ी अच्छे से फिटिंग आ जाएगी गले में। और ईयरिंग्स इसके साथ आपको मिलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसके ईयरिंग्स और मांगटीका मैं आपको दिखाती हूँ, वो अलग से पैक होकर आते हैं इस तरीके से। ये तो होने वाला है इसका मांगटीका, ये आप देख सकते हो काफ़ी प्रिटी है, और इसके साथ आपको बेहतरीन से बड़े बड़े साइज़ के ईयरिंग्स भी मिलते हैं। तो मुझे तो ये ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिना टेंशन के आप ले सकते हो इनको, क्वालिटी में आपको हमेशा 100% ही मिलेगा नवीन कलेक्शन से, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। और हाँ, मैंने आपको बताया नवरात्रि पे चल रही है मस्त वाले ऑफ़र, तो ऑफ़र मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, जाके जल्दी से परचेज कर लेना अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।